जोहार एंड वेलकम टू माय चैनल सो फ्रेंड्स टुडे इज पार्ट ऑफ एंड टू माईट्यूबल और आज का टॉपिक है पैराग्राफ अलाइमेंट सो लेट्स स्टार्ट सो फ्रेंड्स व्हाट इज पैराग्राफ अलाइनमेंट ठीक है अलाइमेंट का मतलब क्या होता है अलाइनमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम कॉपी अपने कॉपी पर बचपन से हम कैसे दिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ दिखते हैं ठीक है थीके? हमारे बुक्स में भी हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा होता है ठीक है तो अलाइनमेंट का मतलब यही है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है हम लेफ्ट से दिखते हैं राइट की तरफ ठीक है तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट शुरू होता है ठीक है हमारा कंटेंट कहाँ से होगा लेफ्ट से शुरू होगा ओके इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इट अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो अपने अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो ठीक है तो दिस इज द ऑप्शन फॉर अलाइनमेंट ठीक है पैराग्राफ ग्रुप आपको ये मिलेगा होम टाइप पे ठीक है और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है सारे अलाइनमेंट्स हैं ठीक है थेकर? ये हाईलाइटेड है मतलब ठीक है ये सेट है ये है अलाइनमेंट लेफ्ट कंटेंट जो है लेफ्ट से अलाइंट हो रहा है मतलब लेफ्ट से आप टाइप करोगे ओके इफ़ यू वन टू चेंज इट दिस इज देंटर एंड दिस इज द राइट ठीक है अगर आप राइट right सीखना चाहते हो तो आप सेक करो राइट ठीक है अब अलाइनमेंट जो है राइट right शिफ्ट हो गया आपका पॉइंटर जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है ओके ये सारे क्या है कमांड्स बटन है ठीक है आप इनका यूज़ कर सकते हो टू सेट योर अलाइनमेंट इसके अलावा इनके शॉर्टकट की भी हैं जिनका आप यूज करके बहुत ही ईजिली अपने अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो ठीक तो है टू लेफ्ट अलाइन दैराग्राफ प्लस कंट्रोल प्लस है ठीक है अगर लेफ्ट से आप अलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एल आपको क्या करना पड़ेगा टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल एल तो आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट में आ जाएगा कंट्रोल आर राइट में कंट्रोल ई सेंटर एंड कंट्रोल जे कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई जस्टिफाई का मतलब क्या होता है इट मूव बोथ साइड ठीक है ये राइट right में भी चाहे अलाइन हो जाएगा और लेफ्ट में भी हो जाएगा आपका ओके तो दिस इज द अलाइमेंट फंक्शन इन एम एस वर्ड ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ओके फ्रेंड्स थैंक यू